अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना असगर अली। आप देख रहे हैं टेक्निकल बाजवा भाई। कंपैरिजन आज टक्कर का होगा इन्फिनिक्स टेक्नो स्पार्क 10 प्रो है और यहां पर इन्फिनिक्स हॉट 30 है। दोनों ही अरूज पर हैं, डिवाइसेज इंतजार है लोगों को, लेकिन बेस्ट कौन सा फ़ोन है भाई? हम स्पीड टेस्ट कैमरा कंपेरिजन करेंगे, देखेंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है। तो वीडियो कम्प्लीट देखिए, चैनल में सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑन करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर हर किस्म की वीडियोस जो है वो टाइम पर मिलती रहेंगी भाई। यहाँ पर डिजाइनिंग देखें, दोनों प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट है, यहाँ पर प्लास्टिक से बने हुए शाइनिंग है, यहाँ पर शाइनिंग है, यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 30 और यहाँ पर शाइनिंग नहीं है, लेकिन शाइनिंग वाला कलर आपको टेक्नो में भी दूसरे कलर मिल जाएंगे, लेकिन मेट वाला ये नया कलर है। तो ओवरऑल बैक पर डिजाइनिंग कैमरा मॉड्यूल की बिल्कुल सेम दी गई है, लेकिन यहाँ पर बॉडी की डिजाइनिंग में फर्क है। तो प्राइसिंग टेक्नो स्पार्क 10 प्रो की 44,000 रुपए ही है और इसकी भी इन्फिनिक्स हॉट 30 44,000 है। यहाँ पर 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज दोनों ही फोन में दी गई है। प्रोसेसर दोनों में मीडियाटेक हेलियो G88 है। तो चार्जिंग इन्फिनिक्स में 33 वॉट, 5000mAh की बैटरी है, जबकि यहाँ पर टेक्नो में आपको 18 वॉट की चार्जिंग और 5000mAh की बैटरी है। तो चार्जिंग में आपको इन्फिनिक्स अप मिलता है। बैक पर ड्यूअल कैमरा है, सेम 50 यहाँ पर ड्यूअल कैमरा है दोनों फोन्स में। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों में ही मिल जाता है और टाइप सी की कनेक्टिविटी दोनों में मिलती है, लेकिन स्टेरियो स्पीकर्स आपको इन्फिनिक्स हॉट 30 में मिलते नहीं है, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 30 के स्पीकर्स जो हैं स्टेरियो और काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले देखें तो दोनों का सेम टू सेम डिस्प्ले लगेगा, सेंटर पंच होल वाला, लेकिन आपको सेल्फी में डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर इन्फिनिक्स में आपको सेल्फी जो है वो 8 मेगापिक्सल की मिलती है और 32 मेगापिक्सल की टेक्नो में आपको मिल जाती है, लेकिन डिफरेंसेस आगे देखेंगे। IPS LCD वाला डिस्प्ले दोनों ही फोन्स में, दोनों में पंच होल वाला डिस्प्ले। टेक्नो में आपको 6.8 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD प्लस और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, कि इन्फिनिक्स में 6.78 इंचेस का डिस्प्ले, फुल HD प्लस और 90 हर्ट्ज वाला IPS LCD वाला ही डिस्प्ले दे दिया गया है। यहां पर ब्राइटनेस वगैरह का देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन इन्फिनिक्स जो है वो आपको कुछ वाइट डिस्प्ले प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा दोस्तों। यहां पर अगर सॉफ्टवेयर देखें तो एंड्रॉइड 13 के साथ दोनों फोन्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर XOX 12.6 वर्जन इन्फिनिक्स में मिलता है, iOS 12.6 वर्जन टेक्नो में मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मर जाएगा। तो यहाँ पर दोनों फोन सेम टाइम पर ऑन हुए देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों को वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, सेम वाईफाई से। यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं टेक्नो की। स्पीड टेस्ट देखें तो यहाँ पर कैमरा ऑप्शन तो थोड़ा सा इन्फिनिक्स फास्ट है। यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन सेम टू सेम है भाई, और प्ले स्टोर में भी बिल्कुल सेम टू सेम दोनों ही नजर आए दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें गूगल ऑप्शन थोड़ा सा टेक्नो फास्ट रहा, हालांकि प्रोसेसर और रैम भी सेम है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा डिफरेंस होगा। यूट्यूब तो यूट्यूब में इन्फिनिक्स काफी आगे निकल गया भाई। टिकटॉक में भी यहां पर हॉट 30 काफी आगे, ऑप्टिमाइजेशन का बहुत डिफरेंस है। कैंडी क्रश तो सेम टू सेम भाई, कैंडी क्रश में भी बिल्कुल सेम रहे। यहां पर दूसरी गेम देखते हैं, यहां पर टेम्पल रन 2। तो यहाँ पर स्पीड देखिए थोड़ा सा टेक्नो आगे, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया भाई। G88 ये दोनों में कितना का बड़ा डिफरेंस आ जाएगा भाई। सबवे सर्फर तो यहाँ पर हॉट 30 जो है वो आगे रहा भाई, और 8 बॉल पूल तो 8 बॉल पूल में आप देख सकते हैं हॉट 30 थोड़ा सा आगे रहा, साथ ही टेक्नो ने भी ऑन कर दिया। सोनिक डैश तो सोनिक डैश में हॉट 30 आगे आ गया भाई, यहां पर टेक्नो में अब तक ऑन नहीं हुआ। तो ये था स्पीड टेस्ट दोस्तों, फिर भी स्पीड के मामले में हॉट 30 कुछ आगे रहा, पता नहीं किस वजह से। प्रोसेसर भी सेम है, रैम भी सेम है, लेकिन थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंस आ जाता है। दोनों फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, ये देख सकते हैं सेम टू सेम है दोस्तों। इतना बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। फेस आईडी देखें तो फेस आईडी में भी कुछ इसी तरीके से ही है। तो यहाँ पर भाई दोनों फोन्स का बैक कैमरा हमने देख लिया, डे लाइट में हमने काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स लिए, और सैंपल लेंस के बाद दोस्तों हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर आप देख लेते हैं दोस्तों, हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग
डिफरेंट्स मोड्स में हमने सैंपल्स लिए बैक पर डेलाइट में, तो आपको एक ही समझ आएगी बात कि ज़्यादातर फोटोज़ में दोस्तों यहाँ पर डार्क रिजल्ट आपको स्पार्क 10 प्रो में मिलता है। हालांकि 50 मेगापिक्सल का कैमरा है दोनों का, इतना फ़र्क होना नहीं चाहिए। कलरिंग में और थोड़ा पिक्सल क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है भाई, ये पता नहीं क्यों आ रहा है। काफ़ी जगह पर कलर ठीक आ रहे हैं दोनों फ़ोन्स के, लेकिन स्पार्क 10 प्रो का कहीं पर कलर जो है बैक पर वो अच्छा नहीं आ रहा दोस्तों। ये ऑप्टिमाइजेशन का मसला है, थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन बेहतर करने की ज़रूरत थी। हॉट 30 के कलर्स वगैरह अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, लेकिन डिटेलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आई कैची कलर्स आपको हॉट 30 बैक कैमरा के लगेंगे। पोर्ट्रेट शॉट्स देखें या सिंपल शॉट्स देखें, वहाँ पर इतना बहुत डिफरेंस आपको लगेगा। लो लाइट में भी सेम ही सिचुएशन मुझे समझ आ रही है, लेकिन लो लाइट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग और यहाँ पर ठीक ठाक लग रही है दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स में। बट एक्सपोजर का थोड़ा सा इशू स्पार्क 10 प्रो में मुझे लगा दोस्तों, कहीं पर एक्सपोजर कम कहीं पर ज़्यादा कर रहा था, तो डार्क मोड और ओवर एक्सपोज भी कहीं पर फ़ोटोज़ हो रही थी स्पार्क 10 प्रो में। लेकिन यहाँ पर सैचुरेटेड फ़ोटोज़ दोनों ही फ़ोन्स में आ रही है, तो अब आपने डिसाइड करना है कौन सा कैमरा बेस्ट है। फ्रंट आप देखें 8 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल का टेक्नो का फ्रंट कैमरा, लेकिन भाई यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है। कि आप देखेंगे दोस्तों आपको आई कैची कलर्स 8 मेगापिक्सल के लगेंगे हॉट 30 के, और मुकाबला करता हुआ नज़र आ रहा है 32 मेगापिक्सल से इन्फिनिक्स स्पार्क 10 प्रो जो है वो इन्फिनिक्स से, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स का कैमरा ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है मुझे। आई कैची कलर इस पिक्सल भी स्टेबल लग रहे हैं और शार्प कलर भी लग रहे हैं। हाँ थोड़ी सी रेडिश टोन ज़रूर है डेलाइट में इन्फिनिक्स के कैमरा में, बट यहाँ पर आपको काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। 8 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल के साथ मुकाबला कर रहा है, थोड़े से कलर फीके भी आपको नज़र आएंगे। लो लाइट में भी देखेंगे तो आपको स्पार्क 10 प्रो के कलर्स जो हैं वो थोड़े डिम डिम नज़र आएंगे। आप काफ़ी जगह पर देखें कहीं पर ओवर एक्सपोज भी कर रहा है फ्रंट कैमरा में भी, तो स्पार्क 10 प्रो फ्रंट कैमरा के मामले में भी ऑप्टिमाइजेशन की यहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी भाई। यहाँ पर कलर्स का देख सकते हैं डिफरेंस दोनों फ़ोन्स में, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन थोड़े शार्प कलर लग रहे हैं इन्फिनिक्स में, और बैक पर थोड़ा फोकस का इशू आपको टेक्नो में लगेगा। ये पता नहीं क्या वजह है भाई, क्या चक्कर है। हालांकि 50 मेगापिक्सल का दोनों का है, शायद सेंसर का कोई डिफरेंस होगा। यहाँ पर आप लाइट कैप्चरिंग देख सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा, एक्सपोजर का इशू थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है टेक्नो में। इन्फिनिक्स में भी एक्सपोजर कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा टेक्नो में जो है वो एक्सपोजर का इशू आ रहा है। यहाँ पर रिजल्ट भी देखिए और लाइट कैप्चरिंग देखिए, कहीं कहीं पर ठीक हो जाती है दोनों फ़ोन्स की, और कहीं पर जाके फोकस का थोड़ा सा इशू टेक्नो में आ जाता है। यहाँ पर देखिए डिटेल दोनों की और कलर किस फ़ोन में अच्छे लग रहे हैं, देखिए फोकस का इशू टेक्नो में थोड़ा लग रहा है। आप देखकर ज़रूर बताइएगा और किसका माइक अच्छा है। दोनों फ़ोन्स का बैक कैमरा है दोस्तों, यहाँ पर 2K रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। यहाँ पर रिजल्ट वगैरह भी देखिए तो शार्प नज़र आ रहे हैं आपको दोनों के ही कैमराज। बट यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों सैचुरेशन की बात, तो आपको दोनों के सैचुरेटेड कैमरा नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स में थोड़ी लाइट कैप्चरिंग कुछ ज़्यादा दे दी गई। यहाँ पर देखिए थोड़े शार्प कलर आपको इन्फिनिक्स में लग रहे हैं, ये पता नहीं क्या वजह, ऑप्टिमाइजेशन की वजह से शायद। हालांकि 50 मेगापिक्सल का शायद सैंपल सेंसर का डिफरेंस ज़रूर हो सकता है, दोनों का 50 मेगापिक्सल का कैमरा तो ज़रूर है, लेकिन सेंसर जो है शायद इन्फिनिक्स में कोई ठीक लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर शार्प रिजल्ट नज़र आएगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों रिजल्ट आपको दोनों कैमराज का ठीक नज़र आ रहा है। रुको, यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों दोनों कैमराज का रिजल्ट आपको कैसा नज़र आ रहा है, डिटेलिंग आपको कैसी नज़र आ रही है। शार्प कलर इन्फिनिक्स में है, बट आपने फैसला करके बताना है कि कौन सा कैमरा अच्छा है। फोन का फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, यहाँ पर हम थोड़ा तेज़ चल के दिखाएंगे आपको फ्रंट 8 मेगापिक्सल का। यहाँ पर रेडिश टोन ज़रूर है इन्फिनिक्स में, और यहाँ पर 32 मेगापिक्सल के हिसाब से भाई टेक्नो का कैमरा फीके पड़ रहे हैं कलर्स। ये देखिए नेचुरल टाइप ऐसे नहीं कह सकते, वाइटनेस दी गई है देखिए सर पर भी, और यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल आपको जैसे आम बंदा वीडियो भरता है इस तरह हम दिखाते हैं, स्टाइल स्टाइल करके नहीं, ताकि आम बंदा भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करे तो उसको पता लग जाएगा भाई, अगर देख रहा होगा हमारी वीडियो तो पता लग जाएगा कि कैसा रिजल्ट उसको मिल रहा है घूम फिर के बना रहे हैं। ये 8 मेगापिक्सल वाला 32 मेगापिक्सल के साथ मुकाबला कर रहा है, तो ये चीज़ देखने वाली है भाई। तो आपका क्या ओपिनियन है और दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन आपको बेहतर लग रहा है ज़रूर बताइए। दोनों फ़ोन्स का फ्रंट कैमरा यहाँ पर है, रूम लाइट में दोस्तों दो बल्ब चल रहे हैं सामने, सॉफ्ट बॉक्सेस भी हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट वगैरह आप देख सकते हैं दोस्तों 8 मेगापिक्सल एंड 32 मेगापिक्सल का डिफरेंस यहाँ भी नहीं पता चल रहा, तो टेक्नो का रिजल्ट भी ठीक नज़र आ रहा है। यहाँ पर रेडिश टोन है इन्फिनिक्स के कैमरा में ओवरऑल, बट अगर हम घूम के इसलिए देख रहा हूँ कहाँ पर रोशनी कम है कहाँ पर ज़्यादा, इस वजह से सारा रिजल्ट पता लग जाएगा। यहाँ पर अब
ऊपर वाले बल्ब चल रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशन आपको नजर आएगी। थोड़ी शार्प कलर आपको पता नहीं क्यों इन्फिनिक्स में क्यों लग रहे हैं 8 मेगापिक्सल के हिसाब से, तो ये 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लगता है, फिर शायद नंबरिंग वाली है। तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट देखिए दोस्तों, 8 मेगापिक्सल का कैमरा 32 का कैसे मुकाबला कर रहा है। आपने दोस्तों फैसला करना है कि आपको कौन सा कैमरा ज़्यादा बेहतर लग रहा है भाई, इन्फिनिक्स का या टेक्नो का। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर 33 वोट की चार्जिंग भी हॉट 30 में ज़्यादा है, और दूसरा कैमरा में एक्सपोजर का इशू जो है वो स्पार्क 10 प्रो में लगा, हॉट 30 में हल्का फुल्का था लेकिन ज़्यादा नहीं था दोस्तों, लेकिन कैमरा के मामले में ऑप्टिमाइज्ड है हॉट 30, और चार्जिंग में भी ज़्यादा दिया गया। आपने डिसाइड करना है आपको डिज़ाइन कौन सा फ़ोन चूज़ करना है, ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।